एक यादव से चलते हैं दूसरी यादव की तरफ, यहाँ राधा यादव से पूनम यादव की तरफ चलते हैं। पूनम यादव का जो 2019-20 का जो ग्राफ था वो काफी ऊपर था, इंडिया की शायद हाईएस्ट विकेट टेकर रही वो, इतना उनका कहर था कि सामने वाले स्पेशलाइज्ड इतनी छोटी हाइट पे से इतने स्लो बॉल के लिए तो शायद ऑस्ट्रेलियंस या इंग्लिश प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते थे, ऐसा उनका खौफ था। लेकिन वो खौफ 2020 के वर्ल्ड कप तक ही रहा, उसके बाद से अगर हम इस पूरा साल देखा जाए तो पूनम यादव का वो खौफ नहीं नजर आया हमको। उसके बाद राजेश्वरी गायकवाड़ ने उनको रिप्लेस भी किया है 11 में। अगर हम पिछले 3 T20s देखे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो पूनम यादव हमें नजर ही नहीं आई। जी हाँ, वो 11 में नंबर नहीं बन रहा है पूनम का। इस बार पहली बार एक फ्रेंचाइज लीग में खेलने जा रही है, जी हाँ, ब्रिस्बेन हीट को रिप्रेजेंट करेंगी पूनम यादव। ब्रिस्बेन हीट में पहले डेलिसा किमिंस रह चुकी है, मैडी ग्रीन रह चुकी है, सुनी एलिस रह चुकी है, लॉरा वुलवार्ड जो इस बार स्ट्राइकर्स में है वो भी खेल चुकी है, लेकिन इस बार वो एक लेट रिप्लेसमेंट आई है। जी हाँ, अमेलिया कर ने मेंटल हेल्थ के चलते ब्रेक लिया है, वो नहीं खेलेंगी इस बार ब्रिस्बेन हीट के लिए। और अमेलिया कर की जो लेग स्पिन है वो तो मिस करेंगे, लेकिन उसी के चलते पूनम यादव की लेग स्पिन लोगों को और देखने मिलेगी। पूनम यादव अमेलिया कर का एक रिप्लेसमेंट है, ये टीम कप्तानी करती है जेस जोनासन। इस बार पहली बार एनेक बॉश भी इस टीम में है। नैडिन डी क्लर्क जो कि पिछले सीजन में इनके लिए काफी अच्छा कर चुकी है वो भी इस टीम में है। लॉरा कमिंस जिन्होंने पिछली बार काफी मार धाड़ की थी वो भी है। रेडमैन जो कि इस बार पहली बार उनको ऑस्ट्रेलियन कॉलअप मिला वो भी है। ये टीम सुपरस्टार्स की नहीं है, इसमें ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर्स है, प्लेयर्स जिनका लोगों को नाम भी नहीं पता है, लेकिन इन्होंने 2 बार WBBL का खिताब जीता है। इस बार पूनम यादव के साथ ये चाहेंगे कि और एक WBBL का खिताब आ जाए, बहुत ही टैक्टिकफुल खेलती है ये टीम। पूनम यादव के लिए भी राधा यादव की तरह ये सफर बहुत मुश्किल होने वाला है, चाहेंगी कि इस बार परफॉर्मेंस अच्छा हो। वो 15 से 11 तक का जो सफर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और क्योंकि WBBL का हर मैच लाइव है लोग देख पाएंगे कि आप कैसी बॉलिंग कर रहे हो, ये मेक और ब्रेक हो सकता है पूनम के लिए।